अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। हम लोग मरी गए हुए थे पिछले दिनों, मरी नथिया के लिए गए हुए थे, वो भी वीडियोस में आपको डालूंगी आपके लिए। और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा हम बहुत ज़्यादा वहाँ से मसाले वाले खाने खा के थक गए थे, तो मैंने सोचा चलो चने की दाल की ना खिचड़ी बनाती हूँ। इसमें मैंने चने की दाल को पहले बॉईल कर लिया था, 2 गिलास पानी डाल के, हाफ कप चने की दाल लेके इसको मैंने पहले बॉईल कर लिया। कुकर में प्रेशर दे दिया 10 मिनट के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा मौसम था अमेरिका, फिर वापस आके बड़ी गर्मी लगी। गर्मी से फिर ज़रा थोड़ा सा मेरा भी अपसेट हो गया स्टमक में, कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, यू नो दैट, कि भाई बाहर मतलब कहीं से होके आए तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो खैर, फिर मैंने इसको खिचड़ी हमने सोचा आज बना लेते हैं, तो हमने फिर खिचड़ी बनाई। तो साथ में मैंने हलीम बना ली थी, हलीम की मैंने रेसिपी नहीं डाली, वो भी मैं डाल दूँगी। तो हल्की फुल्की हलीम बना ली थी, तो देखिए मैंने ये हाफ कप ऑयल डाल दिया था। ये मैंने हाफ कप ऑयल में एक मीडियम साइज़ प्याज डाल कर लिया। ये देखिए प्याज इतना होना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने लाल कर लिया था, लाल करके लहसुन अदरक डाल के, तो जो बॉयल चने की दाल थी वो भी डाल ली थी, तो वो डाल के हल्की फुल्की बनाई थी विदाउट टमाटर। टमाटर नहीं मैंने डाले थे, तो उनके खिचड़ी में तो टमाटर नहीं डालते, तो वो फिर नमक काली मिर्च और थोड़ा सा वो डाल लिया था गरम मसाला, ठीक है ना, वो डाल के इसको चने की दाल डाल दी थी, चने की दाल जो बॉईल हुई हुई थी, और साथ राइस डाल के ना इसको मैंने बना लिया था। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मरी में हमें बड़ा मज़ा आया। मैं आपको वीडियोस वगैरह डालूंगी, फिर आप देखिएगा। वाकई में इतनी खूबसूरत जगह है हमारे पाकिस्तान में, इतनी खूबसूरती है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग सोचते हैं